गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं लेके आई हूँ एक नई वीडियो जो कि मैंने काफ़ी दिन पहले ही बना के रखी हुई थी और बिकॉज ऑफ सम रीजंस सो मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई। तो वो वीडियो मैं जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी पालक का जो है मौसम आ गया है और सीज़न काफ़ी चेंज हो गया है, सर्दी हो गई है हमारे यहाँ सिटी में। और तो मैंने इस बार जो है वो ट्राई किए थे हरा भरा कबाब्स, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बने थे। और उसकी जो वीडियो है अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो रेसिपी देखने के लिए आप जो है मेरी पूरी वीडियो को देखिए और फिर मैं मिलती हूँ आपसे लास्ट में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है गरम तेल और इसके अंदर अब हमें ऐड करना है थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स। सो हल्के से ये गर्म होते हैं तो इसमें हमें ऐड कर देना है प्याज, जिसको कि ये बारीक मैंने काट लिया है। सो इसे हल्के हाथ से हमें मिक्स करते जाना है और इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूंगी मैं ग्रीन चिलीज। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे जो है अपनी वेजिटेबल्स को कुक करना है अच्छे से और यहाँ पे मैंने ऐड किया है शिमला मिर्च। बेसिकली हमें अपने कबाब्स के अंदर जो है ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करनी होती हैं, तभी इसी का नाम जो है हरा भरा कबाब है। सो जितने भी सर्दी के जो वेजिटेबल्स हैं वो हमें इस तरह से ऐड करते जाना है। तो हमें अपने ऐड कर देने हैं इसमें पीस, मटर जो कि मेरे पास यहाँ पे फ्रोज़न थे, तो मैंने इनको अच्छे से धो लिया है और इनको मैंने ऐड कर दिया है और इसे भी कुक करना है हमें। तो इन्हें भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमारी जो वेजिटेबल्स हैं अच्छे से हमें कुक करनी है, देन हमें इन्हें ग्राइंडर में इन्हें ग्राइंड कर लेना है। सो यहाँ पे जो है मटर हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपनी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पालक। सो पालक को मैंने कट कर लिया था और अच्छे से 2 से 3 पानी में इसे वॉश किया है अच्छे से। को भी हमें जो है बाकी वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर देना है। अभी ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, अभी इसमें जो है पानी भरा हुआ है पालक के अंदर। तो जब तक ये पानी हमारा जो वेजिटेबल्स के अंदर रह जाता है और वो जब तक हम इसे कुक करेंगे और वो सूखेगा नहीं तब तक हमें इन्हें पकाते रहना है। तो हल्के हल्के हाथ से हमें अपनी पालक को जो है बाकी सब्जियों के साथ मिक्स कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैं ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक। नमक हमें थोड़ा सा ही इसमें ऐड करना है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला और थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देते हैं इसमें। तो इन्हें मिक्स कर लेते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक पानी जो है सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो जब तक ये पानी नहीं सूखेगा हमें इन्हें कुक करते रहना है। सब वेजिटेबल्स को मिक्स कर लीजिए और 4 से 5 मिनट के बाद इसका जो है पानी सूख जाएगा और फिर हम इसे जो है बंद कर देंगे गैस को। तो ये देखिए यहाँ पे जो है 4 से 5 मिनट हो गए हैं और पानी जो है सब्जियों का सूख चुका है। तो गैस को कर दीजिए बंद और इसे हम कर लेते हैं ग्राइंड।
स्मूथ पेस्ट के अंदर इसे हमें बदलना है। सो ग्राइंडर के अंदर इसे मैंने ऐड कर दिया है और अब हम अपना जो है ग्राइंडर चला देते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी पालक की और बाकी वेजिटेबल्स की पेस्ट तैयार हो चुकी है और देखिए अभी तक इसमें से कितना ज़्यादा गर्म धुआं निकल रहा है और इसे अब हम बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। एक अभी तक इस ये काफ़ी गर्म है और इसे हल्का सा फैला देते हैं हम ताकि थोड़ा सा जो हमारा बैटर है वो ठंडा हो जाए और देन इसके अंदर हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा बैटर ठंडा हो गया है और बाइंडिंग के लिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पोटैटोस। मेरे पास 4 से 5 मैंने पोटैटोज जो हैं वो लिए हैं और इन्हें मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था। और अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए। ये थोड़ी मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं और इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड करूंगी। 2 स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए हरा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़ा सा इसमें नमक डालते हैं और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और इन्हें हाथ से मिक्स कर लीजिए अच्छे से। बिल्कुल हमें इसका जो है हार्ड डो नहीं तैयार करना है, इसका सॉफ्ट सा हमें डो रखना है। जैसे हमारी आलू की टिक्की होती है वैसे हमें इसका डो नहीं तैयार करना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा रहेगा ये। तो यहाँ पे जो है मेरा कबाब्स के लिए जो है बैटर तैयार हो चुका है और इस ब्रेड क्रम्स जो है मैंने लिए हैं टिक्की के लिए। तो चलिए अपने जो है हम टिक्की जो है कबाब्स की तरह जो तैयार कर लेते हैं। तो 2 से 3 टिक्की बनाने के बाद हाथों को ज़रूर वॉश कीजिएगा, नहीं तो टिक्की जो है हाथों से चिपकने लग जाएगी, स्टिक्की स्टिक्की हो जाएगी और इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर हम कोट कर देते हैं। और बाकी भी जो है मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ और इन्हें कुक करने के लिए हमें जो है तेल ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, नहीं तो हमारी टिक्कीज जो है वो सड़ जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर, मीडियम से भी कम कर दीजिए तो फिर इसे कुक कीजिएगा। लो फ्लेम के ऊपर हमें अपने कबाब जो हैं वो तैयार करने हैं। तो यहाँ पे मेरे कबाब जो हैं रेडी हो चुके हैं और इन्हें करते हैं फ्राई। और तेल जो है गर्म हो चुका है और इसमें
वन बाय वन जो है हम अपनी टिक्कीज ऐड करते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें कुक करना है। सो दो से तीन टिक्कीज जो है हम एक साथ ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे जो है मेरे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर है इनका, एकदम परफेक्ट कलर आया है। तो चलिए अब हम इसकी जो है प्लेटिंग कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरा टी टाइम जो है वो हो चुका है और यहाँ पे मैं अपने कबाब जो है इमली की चटनी के साथ और थोड़ी सी जो है ग्रीन चिली सॉस के साथ मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ। तो चलिए इन्हें गर्मा गर्म जो है हम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी हरा भरा कबाब्स की रेसिपी और ये वीडियो, जो कि मैंने जो नॉर्मली जो है मैं पालक के पकोड़े ही ज़्यादा ट्राई करती हूँ, बट इस बार मैंने हरा भरा कबाब्स ट्राई किया है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो कि अभी जल्द ही आएगी, तो तब तक के लिए बाय बाय।